हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे देसी रसोई में। आज हम बना रहे हैं मटन बिरयानी। ये बिना लेयर वाली है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मटन बिरयानी बनाने के लिए हमने आधा किलो चावल लिए हैं। चावल को हमने एक घंटा पहले भिगा दिया। चावल कम से कम एक घंटा पहले भिगाएँ। जितने अच्छे चावल भीगे होंगे, बिरयानी उतनी मुलायम बनेगी। आधा किलो गोश्त लिया है, इसे हमने धो के साफ़ कर लिया है। तीन बड़े साइज़ की प्याज ली है, प्याज को बारीक काट लेंगे। कुकर में दो टेबलस्पून तेल लेंगे। तेल बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि गोश्त चिकना है। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसमें दो तेज़पत्ते डाल देंगे, आधा इंच का टुकड़ा तजकी लकड़ी और ये बारीक कटी हुई प्याज। इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसमें से आधी प्याज निकाल लेंगे। और ये जो आधी प्याज बची है, इसमें हम गोश्त डाल देंगे। एक चम्मच नमक डालेंगे। आप स्वाद अनुसार नमक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा चम्मच मिर्च डालेंगे। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च ज़्यादा ले सकते हैं। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त अच्छी तरह से भून गया है। अब हम इसमें आधा गिलास पानी डाल देंगे। इतना ही पानी डालें जिसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अब कुकर बंद करके गोश्त को गला लेंगे। अभी तक मसाले पीस लेते हैं। आधा चम्मच काली मिर्च, चार छोटी इलायची, छह लौंग, तीन बड़ी इलायची, थोड़ी सी तजकी लकड़ी, जावित्री, बादियान का फूल, चौथाई टुकड़ा जायफल। इन मसालों को पीस लेंगे। 10 मिनट हो गए, गैस ऑफ कर देंगे। कढ़ाई में दो टेबल स्पून तेल लेंगे। इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। आधा चम्मच स्याह जीरा डालेंगे, काला जीरा इसे कहते हैं। एक चम्मच कुटा हुआ गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आधा किलो चावल थे इसलिए हम आधा किलो पानी डालेंगे। हमारे चावल अच्छे से भीगे हुए हैं। आधा लीटर पानी डालेंगे, यानी दो गिलास हमने भर कर पानी डाला है। एक चम्मच नमक डालेंगे। नमक हमने अखनी में भी डाला है। नमक आप स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। पानी को बंद कर देंगे उबाल आने तक। पानी में उबाल आ गया है, भीगे हुए चावल हम पानी में डाल देंगे। फ्लेम को फुल कर देंगे और चावल में उबाल आने देंगे। चावल में उबाल आ गया है, फ्लेम को लो कर देंगे। इसे धीमी आंच पर पकने देंगे। तक चावल तैयार हो रहे हैं, मखनी को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। ये जो हमने मसाला पीसा था, ये मसाला हम इसमें डाल के अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा देर इसे नहीं पकाना है, इससे इसकी खुशबू सारी निकल जाएगी मसालों की। बस अच्छे से भून लेना है थोड़ा सा, कि मसाला मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। मसाला मिक्स हो गया है, अखनी थोड़ी सी भूनी गई है, गैस ऑफ कर देंगे। चावल लगभग आधे पक चुके हैं, बस इतने ही पकाने हैं। अब इन चावलों को हम कुकर में डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी रसीली बिरयानी तैयार होगी। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। ये जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। चावल और अखनी को हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बहुत आहिस्ता से चलाएं, चावल टूटने ना पाए। ये इस तरह से मिला दें। दो चम्मच दही लेंगे। दही में कलर मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इस दही को बिरयानी में डाल देंगे। इसे थोड़ा थोड़ा सा मिक्स भी कर देंगे।
इसे ऊपर ऊपर थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। अब कुकर को बंद करके बिरयानी को दम पर लगा देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 10 मिनट तक इसे पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, गैस ऑफ कर देंगे। स्टीम को अपने आप निकलने देंगे। स्टीम निकल गई, बिरयानी तैयार है। इसे किनारे से इस तरह से मिक्स करें। बहुत ही टेस्टी बिरयानी तैयार हुई है। गर्मा गर्म सर्व करें। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं। ये जो हमने फ्राई प्याज निकाली थी, इससे बिरयानी को गार्निश करें। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके बताएं। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।